आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज। खबर के अंदर का सच, हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। चंद्रपुर के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में सुर्खियों में आए पद भर्ती घोटाले व सामग्री खरीद घोटाले में पुलिस ने बैंक अध्यक्ष के बाद सामग्री खरीद घोटाले में विक्रेता विनोद गिरी व सचिन सालवे को गिरफ्तार कर लिया है। सनद रहे कि इसी मामले में बैंक अध्यक्ष को पुलिस हिरासत में भेजा गया। बीते 2 माह से जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में पहले अनुकंपा पद भर्ती घोटाला व फिर करोड़ों का सामग्री खरीद घोटाला सुर्खियों में है। बैंक की सामग्री खरीदी में 8 करोड़ से अधिक की धांधली को लेकर वांछित आरोपी रहे माई इंटरप्राइजेस के संचालक विनोद गिरी और सचिन सालवे को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था, परंतु इस मामले में भी गोपनीयता बरती गई। इस बीच शनिवार 22 अगस्त को इन दोनों को अदालत में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी से बैंक में हड़कंप मच गया है। इस घोटाले में और भी आरोपियों को लिप्त होने की आशंका जताते हुए पुलिस जांच शुरू होने की जानकारी दी गई है। इस मामले की जांच रामनगर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के प्रमुख प्रमोद मकेश्वर के मार्गदर्शन में चल रही है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।